नमस्कार, आप देख रहे हैं दिन दहाड़े। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। कई दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। गुरुवार को कांग्रेस के एक दिग्गज नेता और पूर्व विधायक नीलेश अवस्थी ने बीजेपी का दामन थाम लिया। नीलेश अवस्थी की बीजेपी में एंट्री पर अब घमासान शुरू हो गया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मौजूदा विधायक अजय बिश्नोई ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने पूर्व विधायक नीलेश अवस्थी का एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है, जिसके बाद से सियासी गलियारों में हलचल बढ़ गई है। अजय बिश्नोई ने लिखा है कि पाटन के पूर्व विधायक भाई नीलेश अवस्थी का बीजेपी में स्वागत है। बीजेपी में शामिल होने वालों का स्वागत करना हमारी मजबूरी है। बिश्नोई ने आगे लिखा है कि आप सबका ये जानना भी जरूरी है कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए भाई नीलेश अवस्थी के कांग्रेस और बीजेपी के बारे में क्या विचार है। वहीं इससे पहले पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह भी बीजेपी ज्वाइन करने वाले कांग्रेस नेताओं को लेकर बयान दे चुके हैं। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस से बीजेपी में आने वाले नेताओं को पार्टी में क्या मिलेगा। एक कार्यकर्ता ने पूछा था, आप जो नई नई भर्ती हो रही है, तो उन्होंने कहा, इस तो हंसी में लग, उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसे लोग हाथ उठाओ जिनको पार्टी में 15 साल काम करते हुए। तो बहुत से लोगों ने नाम हाथ उठा दिए पार्टी में 15 साल काम करते हो गए थे। तो बोले तुम्हें 15 साल में क्या मिला? तो उन्होंने कहा साहब कुछ नहीं मिला। तो बोले जब तुम्हें 15 साल में नहीं मिला तो जिनको आए 15 दिन हुए उनको क्या मिल जाए? तो क्या भारतीय जनता पार्टी में नीलेश अवस्थी की एंट्री पर कलह मच गया है? आज इसी पर करेंगे चर्चा। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए शिवम शुक्ला जी हमारे साथ हैं और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अभिनव बरोलिया जी हमारे साथ हैं। साथ ही साथ सुरेश शर्मा वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शिवम शुक्ला जी, आपसे मैं शुरुआत करती हूं। नीलेश अवस्थी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं तो अजय बिश्नोई को बुरा क्यों लग रहा है? उनकी तरफ से क्यों कहा जा रहा है कि हम मजबूर हैं नेताओं का स्वागत करने के लिए पार्टी में? देखिए, सबसे प्राथमिक चीज यह है कि स्थानीय स्तर पर नेताओं की आपसी खींचतान होती है। स्वाभाविक तौर पर अगर कोई नेता किसी दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ता है तो कई बार उतना सकारात्मक भाव से स्वीकार कर पाना सही नहीं होता है, व्यक्ति को दिक्कत जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी में नेता कार्यकर्ता सभी व्यक्तिगत आकांक्षाओं से ऊपर उठ करके दल विचार और राष्ट्र के लिए काम करते हैं। हमारे लिए सबसे पहले राष्ट्र आता है, उसके बाद पार्टी की प्राथमिकता और तत्पश्चात अपने बारे में हम विचार करते हैं। तो इतना ही व्यक्तिगत था तो सोशल मीडिया पर डालने की क्या जरूरत थी? मैं आपको बता तो रहा हूँ कि हो सकता है कि कई बार उन्होंने व्यक्तिगत स्तर पर अपने उद्गार व्यक्त कर दिए हो। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, व्यक्ति ने अपनी बात रख दी। लेकिन अगर पार्टी नेतृत्व ने कोई निर्णय लिया है तो स्वाभाविक तौर पर बिश्नोई जी हो या भारतीय जनता पार्टी का कोई और कार्यकर्ता, सभी पूरी मजबूती के साथ नेतृत्व के निर्णयों पर विश्वास जताते हैं। और स्वाभाविक तौर पर वह भले इस चीज को न मान रहे हो लेकिन उस स्थानीय स्तर पर पार्टी की आवश्यकता रही होगी, स्थानीय संगठन से फीडबैक आया होगा और पार्टी नेतृत्व इस प्रकार के निर्णय स्थानीय स्तर पर बातचीत के पश्चात, सामंजस्य बिठाने के पश्चात ही लेता है। इस प्रकार की बयान को हाईलाइट करके इस पर डिबेट रखना यह दिखाता है कि यह कोई एजेंडे का भाग है। आप बताइए, कांग्रेस पार्टी की अभी परसों सूची आई मीडिया विभाग की, इनके ही कई सारे नेताओं कार्यकर्ताओं ने अपनी उसी सूची पे पार्टी विद अ डिफरेंस के नारे के साथ आपकी पार्टी है। और आपकी पार्टी में अमूमन ऐसा होता नहीं है कि कोई किसी से कोई नाराजगी हो तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई डाल दे चर्चा। इसलिए मैं क्या कहता हूँ, देखिए सबसे पहली चीज यह है कि राजनीति में इस प्रकार के प्रसंग सामने आते हैं, उस पर नेतृत्व विचार करता है, तमाम चीजें उनको भी समझाई दी जाएगी, बातचीत की जाएगी
और इस मसले का तत्काल निराकरण निकाल लिया जाएगा। अगर पार्टी नेतृत्व कोई निर्णय लेता है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इन तमाम चीजों पर दल के भीतर विचार हो जाता है। यह चीज कांग्रेस पार्टी में आपको देखने को मिलेगी कि इस प्रकार से लगातार कई नेता करते हुए नजर आते। मैं तो बोल रहा हूँ, कल मीडिया विभाग की सूची आई, उसके कई सारे पदाधिकारी जो पूर्व थे वो जीतू पटवारी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, पिछड़े वर्ग की उपेक्षा का आरोप लगा रहे हैं। लक्ष्मण सिंह जी की बयानबाजी हम निरंतर देखते हैं कि वह किस प्रकार से कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। कई अन्य नेताओं के हमने इस प्रकार की चीजें देखी है, और अजय जी हो या कोई और, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के ऊपर सभी का विश्वास है। कांग्रेस जैसे हमारे यहाँ पर दल का त्याग करके लोग इधर उधर नहीं भाग रहे हैं, लोग लगातार पार्टी का त्याग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कार्यकर्ताओं की अहमियत, अगर हम किसी व्यक्ति को लेकर के आए हैं तो स्वाभाविक तौर पर क्षेत्र में। आपने भूपेंद्र जी का बयान सुना है, पूर्व मंत्री भूपेंद्र जी का बयान सुना है? आपने कहा, आपने कहा ना कि कार्यकर्ताओं का महत्व है, इसी को लेकर उन्होंने बयान दिया है। मैं बता देता हूं, देखिए सबसे पहली चीज यह है कि अगर उन्होंने जो भाषण दिया वह कम से कम 15 मिनट 20 मिनट का भाषण था, उसमें से 15 सेकंड की क्लिपिंग को काटा गया और इस प्रकार से दिखाया गया। राजनीति में बहुत बार व्यक्ति चूहल बस कोई बात बोलता है, मजाक के लिए बोलता है, लोगों को उत्साहित करने के लिए बोलता है, और व्यक्ति जो अपने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करता है तो हर स्तर के मजाक वहां पर किए जाते हैं। अब दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, मैं आपको बोल रहा हूँ थोड़ा सा, भारतीय जनता पार्टी में कौन से ऐसे पद पर कोई व्यक्ति है जिसको पार्टी ने पद दे करके उसकी उपयोगिता के अनुसार उपयोग नहीं लिया, चाहे वह कांग्रेस से आया हो या अन्य राजनीतिक संगठन से आया हो। भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक कार्यकर्ता की उपयोगिता के आधार पर उनको समय समय पर पद देती है, दायित्व देती है, और उनका किस प्रकार से पार्टी के लिए उपयोग लेना है इसको सुनिश्चित करती है। भूपेन जी को खुद लंबे समय तक पार्टी ने बहुत सारी भूमिकाओं में रखा, उनके आसपास उन्होंने स्वयं कई नेताओं को आगे बढ़ाया। तो भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की बात है, हमारे यहाँ पर इस प्रकार से कभी भी किसी भी व्यक्ति की उपयोगिता को समाप्त करने का काम नहीं किया जाता है। ठीक है, व्यक्ति के लिए उपयोगिता है, तो ठीक है, शिवम शुक्ला जी काम करते हैं। मैं आखिरी बात बोल देता हूँ, भावना के साथ काम करते हैं कि हर कार्यकर्ता के लिए काम और हर काम के लिए कार्यकर्ता, यह दल जिस मानसिकता के साथ काम करता है तो उस स्थिति में इस प्रकार के बयानों का कोई महत्व नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव प्रचार में जुटी हुई है और कांग्रेस इस प्रकार की बयानों को ही लेकर के आडंबर बनाने का प्रयास कर रही है जिसको जनता स्वीकार नहीं करने वाली है। ठीक है शिवम शुक्ला जी, लेकिन आपने कहा कि राजनीति में कई बार मजाक में बातें कही जाती हैं, कई बार अलग अंदाज में बात कही जाती हैं, लेकिन राजनीति में जो भी कुछ कहा जाता है उसको सोच समझ कर कहा जाता है, उसके अपने मायने होते हैं। अभिनव बरोलिया जी हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हैं। अभिनव जी, जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दो नेता मुखर होकर बात कर रहे हैं, अजय बिश्नोई और भूपेंद्र सिंह, आप कांग्रेस पार्टी इसको किस तरह से देख रही है? क्या जो बंपर ज्वाइनिंग हो रही है भारतीय जनता पार्टी में, ये उसके साइड इफेक्ट है? देखिए, मैं सुन नहीं पाया शिवम जी को क्योंकि मुझे प्रॉपर आवाज नहीं आ रही थी, आपकी भी आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी अब मुझे आपकी आवाज आई है। तो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूंगा मैडम कि ये जो लगातार ये बंपर ज्वाइनिंग और ये ज्वाइनिंग बातें कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रोपोगंडा और भ्रम पैदा कर रहे हैं, इससे इनके कार्यकर्ता खुद नाराज हैं। आप देखेंगे भूपेन्द्र सिंह जी का बयान, एक बहुत बड़े कद्दावर नेता है और उन्होंने जिस तरीके से साफ साफ बोला कि 15 साल से आप लोग का कुछ नहीं हुआ, जब अमित शाह जी बोल के गए हैं तो 15 दिन पहले आए कांग्रेसियों का क्या होगा, तो स्थिति आप समझ सकते हैं, कार्यकर्ताओं में नाराजगी बढ़ चुकी है। आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अंदर ही अंदर खत्म हो रही है, इसका अंदाजा ये सिर्फ इवेंट कर करके, प्रोपोगंडा क्रिएट करके, नैरेटिव सेट करके ही अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं, बाकी अंदर से भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से खोखली हो चुकी है। तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि जब इनके लोग छोड़ के आ रहे थे तो आप देख रहे होंगे 5-5, 10-10 हजार लोग आ रहे थे दीपक जोशी जी के साथ, भंवर सिंह शेखावत जी के साथ, देवेंद्र रघुवंशी जी के साथ, शर्मा जी के साथ, तो लगातार 2 महीने तक भोपाल की सड़कें जाम थी। लेकिन आज स्थिति देखिए, दो नेता भी कांग्रेस के छोड़ के जाते हैं तो ये प्रोपोगंडा क्रिएट करते हैं, इनका कार्यकर्ता कुछ से नाराज है क्योंकि उनका इतना मान मनोबल कभी इन लोगों ने नहीं बढ़ाया, लेकिन आज दूसरे लोग जो आ रहे हैं, इक्का दुक्का लोग जो आ रहे हैं, वो खुशी ये लोग मना रहे हैं और अंदर ही अंदर इनकी पार्टी टूटती और बिखरती जा रही है। ये आने वाले लोकसभा चुनाव में आपको देखने को मिलेगा क्योंकि जनता से भी इनको कोई सरोकार नहीं है, महंगाई बढ़ती जा रही है, 150 रुपए किलो मिर्ची हो गई है, उससे इनको कोई चिंता नहीं है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं परिवार के परिवार, उससे कोई चिंता नहीं है, रोजगार कैसे दे उसकी भी कोई चिंता नहीं है। तो ये सरकार लगातार सिर्फ और सिर्फ जनता को और अपने खुद के कार्यकर्ताओं को ठगने का काम कर रही है। ठीक है, मैं इसका जवाब शिवम शुक्ला जी से लूंगी, लेकिन सुरेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सुरेश शर्मा जी, आप इसका विश्लेषण बेहतर कर पाएंगे कि जो कह रहे हैं अजय बिश्नोई और भूपेंद्र सिंह,
क्या जो बीजेपी में लगातार ज्वाइनिंग हो रही है उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के जो अपने हैं वो नाराज हो रहे हैं, और क्योंकि पार्टी में डिफरेंस का नारा देती है भारतीय जनता पार्टी, इस तरह से नाराजगी की खबरें सार्वजनिक रूप से आती नहीं है, लेकिन इस बार सोशल मीडिया पर डाल दिया गया है। तो ये राजनीति ठहराव का नाम नहीं है, राजनीति बदलाव का नाम है और आगे बढ़ते रहने का काम है। इसलिए किसी भी नेता के द्वारा की जाने वाली टिप्पणी में उस नेता के पुराने इतिहास को और राजनीतिक भविष्य को देखने की जरूरत पड़ती है। यदि भूपेंद्र सिंह जी ये कहेंगे कि 15 साल में आपको क्या मिल गया, तो भूपेंद्र सिंह जी को ये भी तो बताना चाहिए कि 15 साल से वो लगातार मंत्री हैं, तो उन्होंने कार्यकर्ता की उपेक्षा क्यों की, ये तो उनको बताना पड़ेगा ना। कि अमित शाह जी कोई स्टेटमेंट दे के चले गए वो कार्यकर्ता को संतुष्ट करने के लिए है या नाराज करने के लिए, ये रणनीति अमित शाह की जी की है। लेकिन भूपेंद्र सिंह जी तो 15 साल तक मिनिस्टर रहे, शिवराज जी के अभिन्न मित्र है, जब वो मंत्री नहीं थे तब भी उनके काम धड़ल्ले से होते थे। उनको ये बताना चाहिए कि उनके होते हुए उनके कार्यकर्ताओं की उपेक्षा क्यों हुई। दूसरी बात यह है कि मंत्री रहते हुए उनका सागर में इतना बड़ा साम्राज्य कैसे हो गया, इतना बड़ा होटल कैसे बन गया जिसको लेकर के बाकी मंत्री शिकायत करते फिर रहे हैं, तो ये सब चीजों को भी देखना पड़ेगा। अजय बिश्नोई जी की जो बात है, अजय बिश्नोई जी ने स्वयं ट्वीट करके ये कहा कि नीलेश अवस्थी जो विधायक जिन्होंने अजय बिश्नोई को हराया था वो भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। अजय बिश्नोई जी शिवराज सिंह चौहान के युवा मोर्चे के अध्यक्ष रहे हैं, इसलिए हमें राजनीतिक बैकग्राउंड को देखना पड़ेगा कि जिन्होंने अपनी राजनीतिक पारी लगभग लगभग खेल ली है वे नए कार्यकर्ताओं के सामने संशय यदि पैदा करते हैं, चाहे कांग्रेस में करें या भाजपा में करें। ये एक अजीब संदेश है कि जिनने अपनी पारी खेल ली, खूब खेली, खूब इंजॉय किया, खूब मिनिस्टर रहे, खूब पार्टी में पदाधिकारी रहे, तो वो जब ये लगा है कि आने वाली पीढ़ी हो गई है, कल्पना करिए कि यदि सचिन तेंदुलकर के बाद की पीढ़ी को हम मौका नहीं देते तो जो है 16 बॉल पर 50 रन बनाने वाले लड़के कैसे दिखाई देते। ये विचार करने का विषय तो है। क्या अजय बिश्नोई को अपने राजनीतिक भविष्य का संकट दिख रहा है, इस वजह से वो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं? अब वो नहीं वो इस पड़ाव में है कि उन्हें भविष्य के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए, उनको तो रिटायरमेंट लेना चाहिए। ऐसे ऐसे उम्र के आप कह रहे हैं ना सुरेश जी? नहीं, उनके ये उनकी भी सोच यही है, रिटायरमेंट में जाने के लिए या पार्टी जिसको रिटायरमेंट करेगी वो किस सम्मान के साथ जाना चाहता है ये उसको तय करना है। आप सुरेश पचौरी जी भाजपा आए हैं, बताइए कि सुरेश पचौरी जी का भाजपा में क्या काम और कांग्रेस में क्या काम था। लेकिन चूंकि उनको अतिरंजित किया गया, उनको बताया गया, तो ये आपको तय करना है कि आपका राजनीतिक रिटायरमेंट किस रूप में होना चाहिए। क्योंकि आपने दो दिन पहले के ट्वीट का जिक्र किया है जो अजय बिश्नोई ने किया था, उन्होंने ये लिखा था कि पाटन विधानसभा के पूर्व विधायक भाई नीलेश अवस्थी भी बहुत जल्दी भाजपा प्रत्याशी भाई आशीष दुबे की मदद करने बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं, उन्हें विश्वास है कि भाजपा पाटन से आगामी विधानसभा में उन्हें चुनाव लड़ाएगी, ये बात लिखी गई थी। ये उनका व्यंग है और निश्चित रूप से ये हो भी सकता है, भाजपा के पास कार्यकर्ता होंगे, उनको लड़ाया जाएगा। धीरे धीरे देखिए, आप देख रहे पीढ़ी परिवर्तन हो रहा है, नए लोगों को टिकटें मिल रही है। आज यदि मैं ये कहूं कि पत्रकारिता में मैं हीरो रहूंगा, ये संभव नहीं, मेरे बाद की पीढ़ी को भी मुझे मार्गदर्शन देना चाहिए, ये तो हमको विचार करना ही पड़ेगा, तभी परिस्थितियों में निखार आएगा। क्योंकि सुरेश जी, ऐसा इतना समन्वय बीजेपी में है, बीजेपी में बहुत सारी चीजें सामने नहीं आती हैं, वहां एक आदेश दिया जाता है उसको सब फॉलो करते हैं, तो इसलिए ये चर्चा का विषय बन गया है कि ये पार्टी का जो प्रोटोकॉल है उसके लाइन के हिसाब से तो चल नहीं रहे नेता। इसलिए मैंने कहा ना कि भाजपा में या कांग्रेस में बड़े दल हैं ये दोनों के दोनों, इसके अंदर नेता का जो स्टेटमेंट है ये उसके भविष्य का निर्धारण करता है। मैं सुबह ही मैं एक खबर पर बात कर रहा था, मैं आपके चैनल पर सार्वजनिक करता हूं खबर लिखने से पहले, हमने कहा दीपक जोशी क्यों रुक गए आते आते, तो मुझे जवाब मिला कि दीपक जोशी जी 2-4 स्टेटमेंट ऐसे देकर के गए थे कि जिनके कारण उनका लेना रुक गया, और 35 लोगों को भाजपा ने निष्कासित किया था, उन 35 लोगों की सूची में दीपक स्टेटमेंट का जिक्र कर रहे हैं, तो आप तो फिर अजय बिश्नोई जी ने तो पूरा ऑडियो जारी किया हुआ है जिसमें बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बारे में, खुद उनके बारे में पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं नीलेश अवस्थी। नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि एक जब आप दूसरी पार्टी में होते हैं तब इसी प्रकार के स्टेटमेंट होते हैं। आप हेमंत बिश्वा शर्मा जी को देखिए, वो कितना बोलते थे,
और आज जब कहते हैं कि मैंने डिलीट थोड़े ना किया है, मेरे पुराने स्टेटमेंट ये है, मेरे बच्चे पढ़ेंगे उसको कि ये स्टेटमेंट, तो राजनीति का मतलब ये नहीं है कि आप जो है आज के संदर्भ में पुरानी बातों का मंथन तब होता है। उमा भारती जी ने नरेंद्र मोदी जी के बारे में जो टिप्पणी की थी, छद्म धर्मनिरपेक्ष है वो, तो और बाद में आज कह रहे हैं कि वो हिंदू हृदय सम्राट है, तो ये राजनीति में तत्काल जिस विषय पर बोलना होता है वो एक सब्जेक्ट होता है। हमारे मीडिया के लिए ये बड़ी खबर है, मैं भी उसी प्रकार की खबरें लिखता हूँ जैसे आप सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन व्यवहारिक राजनीतिक टिप्पणी करते समय मुझे ये सावधानी बरतना पड़ती है कि आपने ये सब कहा क्यों है। मैं भूपेन्द्र सिंह जी के बारे में फिर से टिप्पणी कर रहा हूँ कि भूपेन्द्र सिंह जी ने जो ये स्टेटमेंट दिया है ये कार्यकर्ताओं को इंटरनली समझाने के लिए दिया। अच्छा, एक और सवाल, तो कार्यकर्ताओं को इंटरनली समझाने के लिए और क्या कांग्रेस को बिना नाम लिए कोई मैसेज तो नहीं दे रहे हैं? नहीं, राजनीति में लाभ तो देखिए दूसरा पक्ष लेता ही है और कांग्रेस लेना भी चाहिए कांग्रेस को, ये तो सभी मानते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि इस समय बीजेपी में जो आकर्षण बना हुआ है उसे आप किसी भी रूप में परिभाषित करते हैं। मैं अपनी तरफ दिमाग के हिसाब से या मेरे संपर्क संबंधों के आधार से परिभाषित करूंगा, आप अपने संपर्क संबंधों के भाजपा के बारे में या कांग्रेस के बारे में जिस प्रकार के विचार रखेंगे आपकी टिप्पणियां उसी अनुरूप आना चालू हो जाएंगी। तो जिस प्रकार कांग्रेस के मित्र बोलेंगे उनको वही बोलना चाहिए जो वो बोल रहे हैं, लेकिन भाजपा में लोग आ रहे हैं, असंतुलन हो रहा है, इसको मैं तो आपके शिवम शुक्ला जी, क्या असंतुलन हो रहा है जो कांग्रेस से बीजेपी में आ रहे हैं उसकी वजह से आपके अपने तो नहीं खिसक जाएंगे? लोकसभा चुनाव से पहले कोई बड़ी तकरार तो नहीं हो जाएगी? जनता पार्टी एक गंगोत्री के समान है, इसमें जो आकर के मिल गया उसके बीच फिर अपना और पराया का भेद हम नहीं रखते हैं। हमारे यहाँ पर हम चाहते हैं कि हमारे दल का निरंतर विस्तार हो, नए लोग जुड़े, विभिन्न राजनीतिक धाराओं पर विश्वास करने वाले लोग अगर हमारी विचारधारा पर, हमारी संस्कृति पर आस्था व्यक्त करते हैं तो इससे ज्यादा सकारात्मक परिवर्तन हम समाज में अपेक्षित नहीं कर सकते हैं। हमारा भी तो विस्तार होना चाहिए, हम तो चाहते हैं कि वैश्विक स्तर पर भी भारतीय जनता पार्टी की जो ख्याति है उसमें और ज्यादा वृद्धि हो, भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न समूहों में लोग आए, विभिन्न क्षेत्रों में हमारा विस्तार हो और अपने क्षेत्र में प्रभाव रखने वाले लोग अगर हमारे दल के साथ आते हैं तो उससे हमारे दल का फायदा होता है, हमारी पार्टी की विचारधारा विस्तृत होती है। तो स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता अपने बारे में तो सोचता नहीं, हमें सिखाया भी यही गया है कि सबसे पहले राष्ट्र है, देश के बारे में, अपने बारे में, पार्टी के बारे में, अजय जी भी अपने बारे में सोच रहे हैं, भूपेंद्र जी भी। देखिए हम सब मानवीय सीमाओं से बंधे हुए हैं, हमारे व्यवहार होते हैं, हमारा एक पूरा हमारे अंदर भी भावनाएं होती हैं और कई बार उसका प्रकटीकरण हो जाता है। वो ऑडियो जो उन्होंने शेयर किया हमको किस तरीके से मिला, उस ऑडियो की प्रामाणिकता क्या है, आजकल विभिन्न प्रकार के माध्यम है, क्या पता उस ऑडियो से उनको इस प्रकार की उत्तेजना हुई है। बहुत बार व्यक्ति रिस्पेक्ट में चीजों पर विचार करता है उसके पश्चात इस प्रकार के चीजों पर तो उसको भी ज्ञान होती है। तो आपको जवाब मांगना चाहिए फिर अजय बिश्नोई जी से। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि पार्टी अपने स्तर पर जो भी उचित होगा वह करेगी, पार्टी अध्यक्ष जी के पास डिस्क्रिप्शन है, पार्टी की अपनी अनुशासन समिति है, तमाम चीजों से इस पर विचार किया जाएगा। लेकिन जो आज महत्वपूर्ण चीज है, भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन में उत्तरोत्तर वृद्धि कर रही है, चुनाव में पूरी तैयारी के साथ उतरी है। कांग्रेस पार्टी जहां आपसी अंतर्कलह और गुटबाजी पर उलझी हुई है, हम तो एक आध विधानसभा सीटों पर हमारे सामने इस प्रकार के प्रकरण हो सकता है सामने आ गए, लेकिन कांग्रेस के तो पूरे प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर लगातार नेता छोड़ रहे हैं और हमारे यहाँ पर तो आप बोल रहे दूसरे दलों के कार्यकर्ता हैं तो इस प्रकार की नाराजगी है। कांग्रेस में तो इतना स्पेस है ऑपोजिशन का, प्रमुख राजनीतिक संगठन, लेकिन बावजूद इसके आज भी कोई एक व्यक्ति अगर इस पूरे लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया हो तो आप मुझे बता दीजिए, नहीं करेगा, क्योंकि उस दल ने अपना विश्वास, अपनी क्रेडिबिलिटी को खो दिया है। भारतीय जनता पार्टी अपनी क्रेडिबिलिटी को एस्टेब्लिश करने में पूरी तरीके से ठीक है, इसका जवाब तो अभिनव बरोलिया जी, यही कारण है कि आज बड़ी संख्या में लोग हमारे पास आ रहे हैं। अभिनव जी वो कह रहे हैं कि आप तो हमसे भी बड़ी वाली गुटबाजी से जूझ रहे हैं, लगभग हर लोकसभा सीट पर आपकी यही स्थिति है, हमारी तो एक दो विधानसभा में है बस। देखिए ऐसा है कि शिवम जी तो खुद कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में गए, उन्हें खुद ये सारी चीजें पता है कि वहां पे कैसे क्या होता है, लेकिन बस मैं उनकी बातें तो खैर वो खुद कंफ्यूज है अभी कि क्या जवाब दूं, क्योंकि प्रामाणिकता मांग रहे हैं और अजय बिश्नोई से जवाब नहीं मांग रहे हैं, तो ये सब उनके अंदर खाने का मामला है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी बहुत आदरणीय हैं और उन्होंने एक बात जिस तरीके से बोली है कि हमें मतलब बात रखनी चाहिए, तो भूपेन्द्र सिंह जी इतने सीनियर हैं, इतने जबरदस्त नेता रहे हैं, इतने बड़े पद पे रहे हैं और मध्य प्रदेश में उनकी तूती बोलती थी सरकार जब थी, अगर वो ऐसी बात कर रहे हैं तो आप सोचिए नीचे के लेवल पे धराशायी हो चुकी है बीजेपी पूरे तरीके से। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे
वरिष्ठ पत्रकार जी ने जिस तरीके से बोला है, मुझे लग रहा है कि मोदी जी के लिए भी अब रहा आसान नहीं, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि वयोवृद्ध हो जाने के बाद संन्यास ले लेना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि वो अमित शाह जी का रास्ता खोलने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि संघ की सोच भी अब लग रही है कि मोदी जी को विराम देना चाहिए, ये सोच तो यही दर्शा रही है। और अमित शाह जी की बात जिस तरीके से वो बोल के गए हैं और भूपेंद्र सिंह जी ने सबके सामने रखी है, तो अनुशासन की कार्रवाई भी नहीं हो रही है। मेरे को तो ऐसा लग रहा है ये हो क्या रहा है बीजेपी में कि अनुशासन ही खत्म हो गया है पार्टी के अंदर। ये पार्टी भी डिफरेंस की बात करते हैं तो ये तो पूरा साफ साफ दिख रहा है कि पूरे तरीके से तितर बितर हो चुकी है। कहीं ऐसा ना हो कि ये 29 की 29 सीटें जीतने की बात कर रहे हैं और 29 में से दो सीट भी ना जीत पाए, स्थिति तो ये दिख रही है इनकी, इनका कार्यकर्ता कहीं दिख नहीं रहा। ये तो आपके लिए अच्छी खबर है ना, ये तो आपके लिए बेहतर स्थिति हो गई फिर। देखिए हमारी हमारा टारगेट 22 से 24 सीटें जीतने का है और हमारी कोशिश रहेगी हम जीते, लेकिन इनका कार्यकर्ता कहीं भी नहीं दिख रहा है। 6 से 7 सीटें किसके लिए छोड़ रहे हैं आप? 4-5 सीटें जहां पे ये सोचते हैं कि हम हवा हवा में जीत जाएंगे, वहां पर भी जीतने की स्थिति नहीं है। बूथ पे बैठने के लिए कार्यकर्ता नहीं मिलेगा, ये स्थिति पैदा हो गई है इनकी। अब इतनी बुरी स्थिति में ये आ रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि विपक्ष रहे, ऐसा तो हम नहीं सोचते। ऐसा ये लोग सोचते हैं कि कांग्रेस खत्म हो जाए, कांग्रेस का अंत हो जाए, हम तो कभी ऐसी बात नहीं। लेकिन आप चाहते हैं कि विपक्ष रहे, शिवम शुक्ला जी आपको विपक्ष में देख रहे हैं वो जी? शिवम शुक्ला जी देखिए, सबसे पहली चीज कमलनाथ जी जहां बोलते हुए आपको नजर आएंगे कि हम 10 से 12 सीटें बबूती जीतेंगे, अभिनव जी 22 से 25 सीटों की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में खाता नहीं खुलने जा रहा है, मध्य प्रदेश में खाता नहीं खुलने वाला है कांग्रेस पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी ने आज तक के इतिहास में प्रत्येक लोकसभा सीट पर राहुल गांधी को पोस्टर लगते हैं, मार्जिन जो होगा वो अपने आप ऐतिहासिक होगा। यही फॉल्ट है आप लोगों के साथ, उसी आधार पर चुनाव जीते। हमारे पास एक लोकप्रिय नेता है प्रधानमंत्री जी के रूप में, उनके नेतृत्व में डबल इंजन की सरकारों के विकास के कार्य है जिससे जनता सीधे तौर पर लाभान्वित हुई है। हमारे स्तर पर देश के भर में एक फैला हुआ संगठन है, बूथों पर मजबूत टीम है, हमारे यहाँ पर तमाम चीजों के बलबूते पर हम चुनाव जीते। आपकी तो आज तक आपकी प्रदेश की कमेटी भंग हो चुकी है, बूथ की बात छोड़ दीजिए, आपको लेकर के आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान दे रहे, ये सब चीजों से आपकी चिंता है। हमारे घर हमने तो अपने घर को हमेशा ही नियंत्रण में रखा है, हमारे घर में मजबूती है, हम एकजुट होकर के चुनाव के मैदान में उतरे हैं, हम कांग्रेस पार्टी की अंतर्कलह गुटबाजी पर फोकस नहीं करते। ठीक है, ठीक है शिवम शुक्ला जी, आप कह रहे हैं कि आपका घर मजबूत है आगे बढ़ा और आप क्लीन स्वीप करेंगे, ठीक है, आप सभी को शुभकामनाएं हैं, शिवम जी आपको भी और अभिनव जी आपको भी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये वक्त बताएगा कि मध्य प्रदेश में क्या क्लीन स्वीप कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी या फिर नहीं, और दूसरी बड़ी बात कि क्या अजय बिश्नोई और भूपेंद्र सिंह पर कोई कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी करती है, क्योंकि पार्टी विद डिफरेंस के नारे के साथ ही भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती है, अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण रहा है इस पार्टी में। तो लगातार हम लोकसभा चुनाव से जुड़े हुए मुद्दों पर करते रहेंगे चर्चा, ठीक 12 बजे कल होगी मुलाकात, दिन दहाड़े में आज के लिए इतना ही, आप देखते रहे जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।